बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत हमीरपुर बाजार में सीडीपीओ के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। हमीरपुर जिला भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत आगामी 6 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि जिला में लिंग अनुपात को सुधारा जा सके। जागरूकता रैली के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पूरे बाजार में रैली निकाली और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का संदेश दिया। वहीं सीडीपीओ कल्याण सिंह ने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि लिंग अनुपात को सुधारा जा सके और लिंग जांच न करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 6 दिनों तक लगातार अभियान के तहत काम करके गांव-गांव में जागरूकता की अलख जगाई जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला हमीरपुर का चयन हुआ है। उस वक्त इस जिला में जो लिंगानुपात था वो 887 था और 1.5 साल के सख्त प्रयत्न से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और ICDS की टीम के सहयोग से जन जन तक ये बात पहुंचाई और लोगों ने ये शपथ ली कि हम लिंग जांच जो है वो नहीं करवाएंगे, पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगाएंगे और अपने बेटियों को गर्भ में मारने का कोई भी जो चांस दे लेंगे, पूरे लोगों को शब्द दिलाएंगे, घर घर जाके जो है इसका प्रचार करेंगे और उसके फलस्वरूप अब जो है हमारा लिंग अनुपात 916 के आसपास जो है। तो इसके साथ ही सारे आज जो है नव भारत की बेटियों का अभियान जो है वो जो 6 दिन तक के लिए जो है वो चलेगा और पूरा तन्मयता से पूरा समर्पण से पूरी टीम जो है लोगों के बीच में जाकर इस अभियान का जो है वो संदेश पहुंचाएंगे और लिंगानुपात जो है इसमें 100% सुधार लाने की जरूरत। जागरूकता रैली में महिला मंडल सदस्य पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, केशरल।